नमस्ते, क्या आपको पता है कि सुइसाइड डिजीज किसको बोलते हैं? ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। इस बीमारी को सुइसाइड डिजीज कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इसके बारे में इतने लोगों में जानकारी नहीं है और पहले इसके लिए कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं थी, जिसके वजह से वास्तविक लोगों ने आत्महत्या की है और इसी का नाम सुइसाइड डिजीज करके पड़ गया। आज हम लोग निक नंदा इस पेशेंट से मिलेंगे, वो भी ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया इस बीमारी के मरीज थे। इस बीमारी में चेहरे का आधा हिस्सा जो है वहां पे करंट जैसे तीव्र दर्द शुरू होता है, जबड़े के यहाँ पे, मसूड़ों में, नाक के यहाँ पे, आंख में, गाल में, माथे की ये साइड में, यहाँ पे ये दर्द एकदम से शुरू हो जाता है। खाना खाने की वजह से, हवा, ठंडी हवा लगने की वजह से, या फिर पानी पीते समय, या अगर कोई शेव कर रहा हो तो, या फिर अगर तौलिए से अगर चेहरा पोंछ रहे हो तो, एकदम से ये दर्द शुरू हो जाता है और ये असह्य दर्द होता है और इसके लिए इसको सुइसाइड डिजीज कहते हैं। निक नंदा, जो कि इंग्लैंड के रहवासी हैं, बहुत सालों से इस बीमारी से पीड़ित थे और उसके इलाज के लिए काफी जगह दिखाने के लिए जा चुके थे। उनका दर्द बहुत बढ़ रहा था और फिर एमवीडी सेंटर पुणे में आके उन्होंने अपना इलाज करवाया। डॉक्टर जयदेव पंचवा, जो इस सर्जरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है, उन्होंने निक नंदा के ऊपर 2 बरस पहले ये सर्जरी की थी। तो आइए सुनते हैं निक नंदा जी का अनुभव। हाय, माय नेम इज निक नंदा and I am or was a trigeminal patient, trigeminal neuralgia patient. Left-sided, right? Yes, on my left side. And मेरा नाम निक नंदा और मैं trigeminal neuralgia इस बीमारी का मरीज था। मेरे चेहरे की बाई ओर ये बीमारी थी। मैं इस बीमारी से 5-6 साल परेशान रहा। ये परेशानी तब तक रही जब तक मेरा अप्रैल 2019 में ऑपरेशन नहीं हुआ था। मेरी एमवीडी सर्जरी माने माइक्रोवैस्कुलर डीकॉम्प्रेशन सर्जरी हुई, जो डॉक्टर जयदेव पंचवाग जी ने की। मैं इस बीमारी से होने वाली यातनाओं से बहुत पीड़ित था। कुछ कारण के वजह से और कभी बिना वजह से यह दर्द शुरू हो जाता। बाएं बाजू के आंख के करीब अगर छूता, गाल को छूता, नाक के नीचे, मुंह के अंदर का हिस्सा, इन सब जगह पे यह दर्द होता था। मैं मेरे दांत ठीक तरह से साफ नहीं कर पाता था, ढंग से खाना नहीं खा पाता था, चेहरा धोने में परेशानी होती थी। अगर ठंडी हवा चली जैसे तेज पंखा तो भी मैं सहन नहीं कर पाता था। मुझे जो दवाइयां दी गई थी उनके भी साइड इफेक्ट्स की वजह से दिक्कत आ रही थी, मेरे शरीर के ऊपर वो असर करने लगी थी। फिर मैंने ये ब्रेन सर्जरी करने का फैसला लिया। ये फैसला लेने के समय मैं घबराया था, लेकिन अंत में मैंने इसका निश्चय किया। मेरे सर्जरी को अब 6 हफ्ते हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। सर्जरी के बाद एक बाजू का चेहरा थोड़े दिन सुन पड़ जाता है, पर यह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। मैंने यह काफी बाकी मरीजों के साथ बात करके पता किया। मेरी 70% महसूस करने की क्षमता भी वापस आ गई है। मेरा दर्द पूरी तरह से जा चुका है। वापस इस दर्द के शुरू होने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मैं अब अच्छे से खाना खा सकता हूँ। मैं मेरी बाई बाजू का अब ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पहले मैं इसका इस्तेमाल करना टालता था। इस बीमारी की वजह से कुछ बुरी आदतें मुझे लग गई थी, जैसे कि मुंह खुला रख के खाना, जो अब नहीं होता। मैं ठीक से खा सकता हूँ, अब मैं चेहरा धो सकता हूँ, दांत साफ कर सकता हूँ। अभी मैंने दाढ़ी भी की है। पहले मैं दाढ़ी को ऐसे ही बढ़ने देता था, क्योंकि मुझे वहां चूना ना पड़े और दर्द फिर से चालू ना हो। बहुत ही सकारात्मक बदलाव मुझ में हुए हैं। मैं बाकी मरीजों को ये बताना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप अपने इस बीमारी का निदान करवा के ये सर्जरी करोगे, उतने ही जल्दी आप अपना आगे का जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर पाओगे। आप बस एक कदम आगे बढ़ाए और इस दर्द से मुक्ति पाइए। ये मेरी संक्षिप्त रूप कहानी मैंने आपको बताई।
So, I mean, it's a very positive effect, and I hope that future patients would be able to just realize that, you know, the sooner they do it, the more at ease they'll be, and just go with it on headstrong and come out on top, really. So, that's my story in a nutshell. आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया इस बीमारी की जनजागृति करने के लिए हमारे इस मुहिम में आप सभी हाथ बटाइए। फिर मिलते हैं पुणे की एमबीडी सेंटर से और वीडियो के साथ।